कुशीनगर फ्यूचर इंडिया डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सद्भावना युवा भाईचारे की स्थापना के लिए कवि सम्मेलन और पत्रकार सम्मेलन समारोह आयोजन होटल रेजिडेंस पैराडाइज बडरौना रोड कुशीनगर में आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर सत्या पांडे, डॉक्टर सौरभ पांडे, डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव व डॉक्टर एहसान अहमद ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते गोरखपुर की पूर्व मेयर सत्या पांडे ने कहा कि कवि सम्मेलनों से अपने अतीत की प्रतीत होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सौरभ पांडे ने कहा कि इस तरह के आयोजन आज के दौर में आपसी सद्भावना के लिए सूत्रधार माना जाता है। आपको बताते चले कि फ्यूचर इंडिया डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के संयोजक नुरूल एलएन वारसी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य आपसी भाईचारे को बढ़ाना है और अपने जिले के पत्रकार व पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों का सम्मान करके उनका हौसला बढ़ाना ही हम लोगों की प्राथमिकता है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। हमारा बस एक ही सोच है कि देश के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ से देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। आज की ऐसी मतलब जो सरकार है, चाहे ऐसी तमाम ऐसे भी युवा हैं जिनको रोजगार से वंचित हैं। मेरी प्रयास यही है या मेरी संस्था का प्रयास यही है कि उनको रोजगार दिया जा सके। इसके तहत आप कैसे रोजगार देते हैं युवाओं? देखिए, इसके तहत एक हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। हम लोग लैंड को परचेज करते हैं, टीम बना करके एक टीम बनती है, टीम के थ्रू उस लैंड को सेल करते हैं और जितने लोग हमारे साथ हैं उनकी सैलरी फिक्स है, किसी की इंसेंटिव फिक्स है। इस तरीके से लोगों को हम रोजगार देते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस? जी हाँ। यह कंपनी कहाँ कहाँ कार्य करती है? देखिए, ये कंपनी अभी लॉकडाउन के बाद शुरुआत हमारी हुई है अपने कुशीनगर से, ठीक है, जहाँ पे हमारा अभी बैरिया काटा से आगे जो रामकोला रोड जाता है उस पे शान कॉलोनी के नाम से कॉलोनी हम डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे तमाम ऐसे लोगों को हमने प्लाट सेल किया हुआ है और उन लोगों को तत्काल रजिस्ट्री और तत्काल पोजीशन के साथ हम प्लाट दे रहे हैं। भविष्य में आपको युवाओं को रोजगार देने के बारे में क्या संभावना है आपकी? देखिए, भविष्य ये हमारी प्लेटफॉर्म फ्यूचर इंडिया जो प्लेटफॉर्म है ये उसी लिए बनाई है। फ्यूचर इंडिया यानी उस फ्यूचर इंडिया में इंडिया का फ्यूचर है। तमाम युवाओं को रोजगार देने के लिए रियल एस्टेट के अलावा और भी सेक्टर में हम जाएंगे जहां से युवाओं को रोजगार हम प्रोवाइड कर सकें। अभी जो आपने कवि सम्मेलन और पत्रकार सम्मेलन का समारोह रखा था, इसके प्रति आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, कवि सम्मेलन इसलिए मैंने रखा था कि एक भाईचारे पैदा करने के लिए देश के अंदर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी जात पात में बट गए हैं, धर्म और जात में बट गए हैं, छोटे और बड़े में बट गए, अगड़े और पिछड़े में बट गए हैं और हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमको ये नहीं मालूम कि मुल्क हमारा, ये धरती हमारी, ये आसमान हमारा है, जैसे हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी बड़े नेताओं के चक्कर में आकर के हम भाई भाई हम एक दूसरे से लड़ते हैं। ये हमारा कवि सम्मेलन भाईचारा को एकत्रित करने के लिए किया गया है और साथ ही साथ सोशल वर्कर को जो सम्मानित हम कर रहे हैं, सोशल वर्कर का काम ये है, मैं देख रहा हूँ, मैं भी सोशल वर्कर हूँ, वो लोग अपने घर के परवाह किए बिना, अपने बाल बच्चे माँ बाप को परवाह किए बिना और चले जाते हैं दूसरों को मदद करने के लिए। दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे को खाना पहुंचाते हैं, किसी की शादी कराते हैं, किसी बीमार है उसकी इलाज कराते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, उन लोगों को उस रियल में वही सम्मान के हकदार हैं और उन्हें सम्मान पाना चाहिए। रही बात आपने बात की मीडिया की, तो मीडिया के लोग हमारे लिए सम्माननीय है, इसलिए जो काम मीडिया के लोग करते हैं वो आम लोगों की बस की बात नहीं है। कभी कभी मीडिया के लोग ऐसी जगह पे जाके कवर करते हैं जहां पे जाके कवर करना जान खतरे से खाली नहीं होता है। वहां जान भी जा सकती है, आप घायल भी हो सकते हैं, आपको चोटें भी ले सकती है, आपको कोई मार भी सकता है, आपको धमका भी सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि आप लोग कभी कवरेज लेने जाते हैं तो बहुत सारी धमकियां भी आपको मिलती हैं, उसके परवाह किए बिना आप लोग उस न्यूज़ का कवर करते हैं, उस घटना, चाहे कोई घटना हो या कोई बात विवाद हो। वहाँ